नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, अदानी पावर आ गया है स्टेटमेंट। मैं कह ही रहा था देर रात आ चुका है स्टेटमेंट। दोस्तों, अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट का स्टेटमेंट आ चुका है, प्लस NSDL जिसने कहा था, जो रूमर चल रही थी, जो कहा गया था कि NSDL ने 3 फॉरेन अकाउंट्स को क्लोज किया है, यानी फॉरेन FPIs अकाउंट को जो है वो फ्रीज किया है, जिसमें 43,000 करोड़ रुपीस पाए गए थे, जिनके पास अदानी के सारे सारे शेयर्स में पैसा लगा हुआ था। तो दोस्तों, उनको फ्रीज नहीं किया गया है। NSDL ने यहाँ पर इस बात का खंडन कर दिया है, लेकिन बहुत ही देर कर दिए इन्हें आने में। मतलब इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया और ये लोग आए नहीं। मतलब इन्हें तो मार्केट टाइम में ही आ जाने चाहिए था। क्या NSDL को ये नहीं पता था कि NSDL ने ये फ्रीज किया है, और NSDL खुद नहीं पता कि हमने ये फ्रीज नहीं किया? तो तुरंत आगे स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हमने ये बिल्कुल भी फ्रीज नहीं किया है, मैंने 3 अकाउंट जो है, हमने ये 3 अकाउंट को फ्रीज नहीं किया। तो पता नहीं किस बात की देर कर दी, प्लस अदानी के मैनेजमेंट ने भी आने में यहाँ पर देर कर दी। अब जो भी सच्चाई है, नहीं पता है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है बात का एकदम खंडन हो चुका है। लेकिन क्या अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या अदानी पावर अब यहाँ से चलेगा या नहीं? कुछ बातें बहुत जानने वाली हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर इतनी जल्दी ट्रस्ट जो है वो अब नहीं बनने वाला। लेकिन यहाँ पर जो बात क्रिएट हुई है वो तो चलो ठीक है, उस पर जो है सफाई आ चुकी है। यहाँ पर जो है मूव तो जरूर देगा अदानी पावर, बिल्कुल मूव देगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सावधान हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो अब जो अलर्ट हो चुके हैं, उनका देखना पड़ेगा किस तरीके से रिएक्ट करता है अदानी पावर। तो चलिए एक बार खबर देख लेते हैं, कुछ ही मिनटों पहले आई है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गूगल पर, और यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं अदानी ग्रुप न्यूज़। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर लगातार ये चल रही है। तो अदानी ग्रुप ने कहा है यहाँ पर, ये दो तुक बेबुनियाद गलत है एकदम फैसला, और जो कुछ भी स्टेटमेंट चली ये दो तुक गलत है। तो यहाँ पर इन सभी स्टेटमेंट्स पर जो है उन्होंने बताया कि यहाँ पर बिल्कुल गलत चीज़ है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद जो है 20-20, 22-22% टूट गए थे अदानी के शेयर्स, जो कि रिकवर हो गए 6-6, 5-5, कुछ कुछ तो पूरे पूरे रिकवर हो गए हैं। तो अदानी पावर में तो लेकिन यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बताएंगे कि अदानी पावर में एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए NSDL सेज, NSDL ने यहाँ पर कहा 1 घंटे पहले, NSDL की सफाई आ चुकी है। NSDL सेज अकाउंट ऑफ फॉरेन फंड्स इन्वेस्टेड इन अदानी कंपनीज आर नॉट फ्रोजन। यहाँ पर कुछ भी फ्रोजन नहीं किया गया, अकाउंट्स यानी यहाँ पर सस्पेंड नहीं करे गए कुछ भी। और लेकिन यहाँ पर जो है 1,00,000 करोड़ का यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो एक झटके में सफाया हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे अदानी पावर, तो अदानी पावर का शेयर जो है वो देखिए 7 रुपये नीचे बंद हुआ है, 7 रुपये 40 पैसे, 5% नीचे गिरकर। 5 दिन का अगर देखें तो 5 दिन में भी लगातार ये है एक अपना हाई बनाया था 166.90 का, और देखिए अब कहाँ है ये। 1 महीने की अगर हम बात करें तो वहीं आसपास ही जो है वो यहाँ पर सेम ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर अब होने वाला क्या है, अब होने वाला ये है कि कल जो आपको ये नीचे लाइन दिख रही है, कल ये आपको ऊपर दिखेगी, यानी ये आपका जो सर्किट लगा हुआ है ये अपर सर्किट दिखेगा, लोअर सर्किट की जगह। तो अदानी के जितने भी शेयर्स हैं, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, और कोई छूट गया हो तो वो भी जोड़ लीजिए, और हाँ अदानी टोटल गैस, तो ये सब शेयर जो हैं जो बिना FNO के हैं वो तो सर्किट पर ही खुलेंगे कल। और जो अदानी एंटरप्राइजेस हैं, अदानी पोर्ट हैं, ये 5-5, 7-7% ऊपर ओपन होने की संभावना है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर स्टडी चलने वाली ले, और अब यहाँ पर जो है वो एक नई तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है अदानी के सारे शेयर्स में। और जो लोग छूट गए उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा दुख है, क्योंकि यहाँ पर जो रूमर था सही तरीके से एक्चुअली बताया भी नहीं गया, कि हुआ क्या है। एक ट्वीट आया और उसने सब कुछ गेम बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पर ट्रस्ट बनेगा, देखिए एक बात तो क्लियर कि यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें पाई गई हैं, जिसके बाद जो है वो ट्रस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूटा है।
काफ़ी ज़्यादा एक मेंटलिटी अब बना के रखती है। और यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात कहूँ तो यहाँ पर सावधान रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए कुछ भी हो गया हो, स्टेटमेंट आ गए हो, स्टेटमेंट ना आए हो, स्टेटमेंट आ तो चुकी है ऑब्वियसली बात है, लेकिन यहाँ पर जो है सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस चाहे अदानी ग्रुप हो चाहे पूरा मार्केट हो, आप सावधान रहिए। एक तरह से ये बबल ही है, क्योंकि आप जानते हैं अदानी पावर ने आज तक का रिकॉर्ड है, कभी प्रॉफिट कमा के नहीं दिया। 50,000 करोड़ का डेब्ट, मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास का है, आज तो टूट गया, ठीक है ना, मार्केट 60,000 करोड़ के आसपास का है, 50,000 करोड़ का डेब्ट है। तो इस चीज़ को भूलेगा नहीं कि एक कर्ज वाली कंपनी है जो कि प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट में भी नहीं है, ये सोचिए पावर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कर्ज में है, और फिर ऐसी कंपनी का मतलब ही क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत पहले मैंने आपको बताया था 98 के लेवल्स पर कि इसको खरीद के चलना है, तो खरीद के तो चलना ही है, क्योंकि अदानी के सारे शेयर चल रहे थे और ये नहीं चला था, सिर्फ एक रीज़न ही मैंने आपको बताया था। प्लस इसका मार्केट कैप जो है, वो मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया था कि कंपनी ग्रुप कंपनीज जो है वो 1-1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पार निकल गई है, तो अदानी पावर भी जो है वो 1 लाख करोड़ के मार्केट के पार निकल सकती है। यही एक वजह थी जो मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर जो बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं, तो उनके लिए तो बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर वो बच गए हैं सभी लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपको रिकवरी, शार्प रिकवरी जो है वो अदानी के शेयर्स में, अदानी पावर हो या और कोई हो, सभी शेयर्स में देखने को मिलने वाली है। प्लस निफ्टी भी यहाँ पर जो है वो 16,000 क्रॉस कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को, इन बातों को ध्यान रखिएगा, हर चीज़ को हर एक टाइम पर एनालाइज करके रखिएगा, आपके लिए यही बेहतर होगा। तो अब देर रात स्टेटमेंट आई और आपके सामने पूरी की पूरी स्टेटमेंट है और आपके सामने पूरी बात है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा अपना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो है एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए अब यहाँ पर अदानी पावर में आप तैयार हो जाइए। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।